प्रोग्रेस जिस हिसाब से मार्केट में करेक्शन चल रही है, लोगों के पोर्टफोलियो लाल हो रखे हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स अपने हाई से 30, 40, 50% तक डाउन है। तो ऐसे में दोस्तों मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, इस मोहल्ले में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर मार्केट में करेक्शन हो रही है तो अगर आप मार्केट के पार्टिसिपेंट हो तो आपके पोर्टफोलियो में डैमेज होना जरूरी है, या आपके पोर्टफोलियो में भी डैमेज है, मेरे पोर्टफोलियो में डैमेज है, और ये होता ही है दोस्तों, ये नोशनल लॉस है। और कहीं ना कभी मार्केट ऊपर आ जाएगी और आपके लॉस कवर हो जाएंगे। ये जो मंदी होती है ना, टेम्पररी होती है, और जो तेजी होती है वो परमानेंट होती है। तो बहुत जल्दी दोस्तों आपको आपके रेट दिखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत सारे लोग दोस्तों पैनिक कर रहे थे और मुझे पूछ रहे थे कि मार्केट का आउटलुक अभी क्या दिख रहा है, जैसे कि रिपोर्ट्स वगैरह आ रही है, क्या हम लोग यहाँ से बहुत ज्यादा डिक्लाइन करने वाले हैं, 11, 12, 13 हजार के लेवल हम लोग दिखने वाले हैं, यहाँ से हम लोग ऊपर जाने को तैयार है। तो दोस्तों एक ब्रॉडर आउटलुक इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो दो टाइप की करेक्शन होती है मार्केट में, एक होती है टाइम वाइज करेक्शन और दूसरी होती है प्राइस वाइज करेक्शन। इसका मतलब है टाइम वाइज करेक्शन में एक्चुअली टाइम टूटता है और प्राइस वाइज करेक्शन में प्राइस टूटता है। तो मैं आपको अगर एग्जाम्पल से समझाऊं, अगर कोई स्टॉक 100 रुपए का 2 महीने में 80 हो जाता है और उसके बाद 1 महीने में वापस 100 हो जाता है, इसका मतलब है 2 महीने ये, 1 महीना ये, 3 महीने के बाद 100 का स्टॉक 100 ही है। इसको आप बोलोगे प्राइस वाइज करेक्शन। 100 रुपए का स्टॉक 80 हो गया 2 महीने में, फिर 1 महीने में 100 हो गया, इसका मतलब 100 के 100, 2 और 1, 3 महीना, 3 महीने में स्टॉक 100 का 100 ही है, लेकिन इस बीच में इसने 100 से 80 आ गया और 80 से वापस 100 आ गया। इसको बोलते हैं प्राइस वाइज करेक्शन। तो ये होती है प्राइस वाइज करेक्शन, जिसमें प्राइस टूटता है, 100 से 80 हो गया। और जो दूसरी करेक्शन होती है वो होती है टाइम वाइज करेक्शन। इसका मतलब है अगर वो 100 रुपए का स्टॉक 100 रुपए पे अगले 3 महीने तक है तो इसको बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। हालांकि प्राइस गिरी नहीं लेकिन वक्त तो गया। तो अल्टीमेटली दोनों करेक्शन सेम ही होती है। तो मार्केट कभी कभी ये डिसाइड करती है कि उनको प्राइस वाइज करेक्शन करना है, और कभी ये डिसाइड करती है कि उसे टाइम वाइज करेक्शन करना है, और कभी ये डिसाइड होता है कि उसे कॉम्बिनेशन करना है। तो अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले तो एक जो फेमस कोट होता है वो ये होता है कि अगर 20% से ज्यादा अगर कोई मार्केट गिर गई या स्टॉक गिर गया तो वो बेयर मार्केट में है। हालांकि हर जगह पे न्यूज चल रहा है कि नैस्डैक बेयर मार्केट में है, डाउ जोन्स बेयर मार्केट में, बिकॉज 20% से ज्यादा गिरे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई, इस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस करेक्शन की बात करते हैं जो इंडियन मार्केट में हो रही है, तो आप बात समझिए, अब ये करेक्शन जो अक्टूबर 2021 में चालू हुई थी, अब इस करेक्शन को करीब करीब 8 महीना हो चुका है, 8 महीने से ये मार्केट करेक्शन कर लिया। और अगर आप इसको अपने हाई से देखोगे तो आप देख सकते हो, अगर मैं टॉप टू बॉटम भी पकड़ू 18,600 से 15,700, तो भी करेक्शन 16% के आसपास हुई है। अगर इनफैक्ट आज के दिन में देखूं तो ये करेक्शन सिर्फ 10% के आसपास है। तो अगर आप देखो ये जो करेक्शन है, एक्चुअली मार्केट यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन कर रही है, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं कर रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, क्लासिकल जो अपना एग्जाम्पल है 2003 से लेके जो 2008 की जो इंडियन बुल मार्केट थी, उसका अगर बिहेवियर हम ऑब्जर्व करते हैं तो आपको काफी कुछ चीजें क्लियर होगी। तो ये देखिए, यहां से बुल मार्केट चालू हुई थी। अब इस पूरी बुल मार्केट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहां से लेके यहां पे टॉप लगा था 2003 से लेके 2008 तक, इस बीच में आपको देख सकते हो ये करेक्शन हुई थी, ये करेक्शन। अगर इस करेक्शन की मैं लेंथ नापूं तो आप देख सकते हो टॉप से लेके बॉटम तक ये करेक्शन करीब करीब 36% की करेक्शन है ना, 36% की करेक्शन है। और अगर इस करेक्शन को आप टाइम देखोगे तो ये जनवरी में चालू होके करीब करीब जून में खत्म हुई थी, मतलब 36% मार्केट गिरी थी और 6 महीने की करेक्शन थी। अब जो नेक्स्ट करेक्शन की बात करें वो ये है, यहाँ देखिए बड़ी करेक्शन में काउंट कर रहा हूँ, ये आप देखो ये करेक्शन भी 32% की है, लेकिन ये करेक्शन चालू हुई थी आपकी मई में और आपकी करीब करीब मतलब 1.5-2 महीने में करेक्शन पड़ गई। तो पहली बात तो ये जो है कि भाई हम लोग बेयर मार्केट में आ चुके हैं क्या, क्योंकि स्टॉक्स बहुत सारे 20% से ज्यादा गिर चुके हैं, तो ये बिल्कुल भी कोई सही क्राइटेरिया नहीं है। 2003 से लेकर 2008 के भयंकर बुल मार्केट में हम लोग 2 बार 30% से ज्यादा गिरे, और अगर मैं छोटी करेक्शन बीच में मानूं तो ऐसा बहुत मौके हैं जिसमें हम 20% से ज्यादा गिर चुके हैं। तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है, फिर तो ये बेयर बुल मार्केट 2003 से 2008 की तो यही खत्म हो गई, फिर उस हिसाब से तो लोगों ने यही निकल जाना चाहिए था और बस इसको बाहर बैठ के देखना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो 2003 से 2008 में आपने देखा प्राइस वाइज करेक्शन बहुत ज्यादा हुई थी, यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे हुई थी, टाइम वाइज करेक्शन कम हुई थी, इतनी बड़ी गिरने के बाद भी 6 महीना, इतना गिरने के बाद भी 2 महीना। बट अगर आज की सिचुएशन आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे बेसिकली मार्केट ने टाइम वाइज करेक्शन करने को चूज किया, प्राइस बिल्कुल भी टूट नहीं रहा। और एक्चुअली मेरे को पूछोगे तो ये ज्यादा स्ट्रेंथ का साइन है,
मार्केट गिरने को तैयार ही नहीं है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस मार्केट में कोई भी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरी चीज आप देखिए कि जब भी कोई बुल मार्केट होती है, हमेशा याद रखना जो मार्केट है ना 200 EMA, जो मैंने 200 EMA लगाया ना, उसके बहुत ज्यादा नीचे कभी नहीं जाती है। देखिए यहाँ पे एक बार गई थी, फिर ऊपर आ गई, यहाँ पे भी गई थी, फिर ऊपर आ गई, और जब फाइनली ये देखिए फाइनली जब इस लेवल को इसने डिसाइसिवली काट दिया 200 EMA को, तो उसके बाद बहुत बड़ी करेक्शन चालू हो गई जो कि 2008 का टॉप है। तो ये इंडिकेशन आप आगे भी ले सकते हो कि जब मार्केट ने 200 EMA को बहुत डिसाइसिवली काट दिया है ना, बहुत जब डिसाइसिवली काट दिया तो हम मान लेंगे कि टॉप लग गया। तो बट फिलहाल मेरे को नहीं लगता कि कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। लेकिन आप बात समझिए, अब ऐसा वक्त आ चुका है ना कि मार्केट को यहां से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट अब यहां से नीचे गिर जाती है तो फिर ये जो करेक्शन है वो जो टाइम वाइज करेक्शन हो रही है वो प्राइस वाइज करेक्शन में बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस और ज्यादा टूटेगा और उसके बाद फिर मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि अग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि हमेशा याद रखिए जो बड़ी मंदी है ना, बड़ी मंदी हमेशा ना किसी अननोन रीजन की वजह से आती है, नोन रीजन की वजह से नहीं आती। तो आज मार्केट में ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अननोन है, तो ऐसे रीजन जो हमको पता है मुझे नहीं लगता उसकी वजह से बड़ी कोई मंदी आने वाली। और इतनी निगेटिविटी है ना, आप सोचिए ना, एक दिन फ्राइडे के दिन, आप खुद आपसे पूछिए, फ्राइडे के दिन जो एक दिन मार्केट जो गिरी 100-150 पॉइंट का जो लास्ट में फॉल हुआ, उसमें बुल की तो हिम्मत, बुल तो वैसे मतलब खौफ में ही है कि क्या हो रहा है, और बेयर लोग और ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और ज्यादा मार्केट को शॉर्ट करें। तो ऐसी मार्केट में मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी हम लोग को नीचे जाना है। अब क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो ओवरऑल सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। पहली बात तो आप समझिए, मेरे ख्याल से ये जो प्राइस, ये जो टाइम वाइज करेक्शन है मार्केट में पूरी हो चुकी है, प्राइस वाइज करेक्शन भी मार्केट में पूरी हो चुकी है। अब बस देखना है कि किस दिन मार्केट यहाँ से ऊपर जाने को तैयार है, किस दिन मार्केट यहाँ से अपना जो नया ट्रिगर है वो लेगी और ऊपर जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो तीन केसेस अब यहाँ पे पॉसिबल हैं, ठीक है। पहला केस तो ये बनता है कि जिसपे मुझे नहीं लगता किसी को भी भरोसा है, ठीक है, किसी को भरोसा नहीं है, और वो पहला केस है कि मार्केट यहाँ से निकल जाएगी और सीधा सीधा ये हाई को काट देगी, और जो प्रीवियस हाई 8600 और उसके ऊपर मार्केट यहाँ से निकल जाएगी। केस नंबर वन तो ये कि यहाँ से मार्केट सीधा सीधा निकल जाएगी। केस नंबर टू की अगर मैं बात करूं तो ये लो जो है ना वो रिटेस्ट हो जाएगा, है ना, मार्केट यहाँ से गिरेगी, रिटेस्ट करके निकलेगी, ये केस नंबर टू है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। और केस नंबर थ्री जिसमें तो भर भर के लोग पड़े हुए हैं, उनका तो ऐसा मानना है कि केस नंबर थ्री मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगी और ये लेवल आपको दिख जाएंगे 14,000 के आसपास के लेवल आपको दिख जाएंगे, ये केस नंबर थ्री है। इनफैक्ट अभी सीएलएसए ने भी रिपोर्ट निकाली अपनी, तो सीएलएसए के हिसाब से भी मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 14,500 का है। तो बहुत सारे लोग अभी मंदी में आ चुके हैं और उनका ऐसा मानना है कि हम लोग 14,000 के आसपास, 14,500 के आसपास एक बार जा रहे हैं। अभी तीन केसेस में दोस्तों मुझे क्या पॉसिबिलिटी लग गई, पहली बात तो जो तीसरा केस है कि हम लोग इस लो को काट के सीधा सीधा 14,500 के आसपास, 14,000 के आसपास जा रहे, ऐसा मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है। तीसरे केस में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, होने को कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हर चीज के, बट एज ऑफ नाउ अगर मुझे आप पूछो तो तीसरा केस मेरे ख्याल से 5-10%, उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। अब दूसरा, पहला और दूसरा केस, पहले और दूसरे केस में आपने को ये देखना है कि मार्केट यहां से या तो सीधा ऊपर जाएगी या एक डिप मार के ऊपर जाएगी। अब इसके लिए आपको क्या ध्यान देना है, इसके लिए आपको ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 16,800 के। तो अगर आप मान सकते हो 16,800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है, 16,800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है, तो काफी हद तक मैं श्योर हो सकता हूं कि मार्केट ने अपना नीचे का काम कर दिया और हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, गिरते पड़ते हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। अब उस केस में कैसे जाते हो बाद में देखा जाएगा। ये लेवल है 17,300-17,400 के आसपास, हो सकता है 16,800 काटने के बाद 17,300-17,400 तक हम एक बार स्लो जाए और उसके बाद मार्केट खींच दे। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम लोग 16,800 के ऊपर अगर एक बार सस्टेन कर जाते हैं तो हम लोग अपने ऑल टाइम हाई को काट के यहां से निकल जाएंगे। जो दूसरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि हम लोग इस लो के आसपास रीटेस्ट करेंगे। अगर इस सेटअप को मैं देखूं, ठीक है, तो इस सेटअप को देखें, ये पॉसिबिलिटीज अभी भी खुली हुई है, मैं इस पर डिनाई नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट इस लो को रिटेस्ट ना करे। देखिए लो को रिटेस्ट करना मतलब, अगर आइडियली मेरे को पूछोगे ना, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और नीचे आ जाए, मतलब मैं चाहता हूँ ये लेवल तक आ जाए, ये जो लेवल आपको दिख रहा है, मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि लो थोड़ा सा रिटेस्ट होने, थोड़ा सा लो थोड़ा कट जाए, ये वाले लेवल मतलब 15,400 के आसपास, 500 के आसपास। क्योंकि अगर ये लो कट जाता है ना 15,700 का, तब पूरी दुनिया मंदी में आ जाएगी, फिर तो सीधा है, जैसे ही लो कटेगी सीधा लोगों को सीधा 14,000 के लेवल ही दिखने लग जाएंगे, है ना। तो पॉसिबिलिटीज अभी भी हैं कि ये लो रीटेस्ट हो जाए, रीटेस्ट का मतलब है 200-300 पॉइंट नीचे भी मार्केट जा सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज अभी भी खुली हुई। तो कब आपको पता चलेगा, सिंपल सी बात है, अगर आपको ये जो लो है मतलब 16,400 का अगर लो कटता हुआ दिखता है, तो आप मान के चलो काफी हद तक श्योरिटी हो जाएगी कि ये लो आपका रीटेस्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा मैंने क्लियर बोल दिया यहाँ पे कि अगर मार्केट 16,800 के ऊपर सस्टेन कर रही है तो हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं।
अगर मार्केट ने 16,400 नीचे की तरफ काटा तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि हम लोग इस लो को रिटेस्ट करें या थोड़ा सा मार्जिनली काट सकते हैं, ये लेवल तक आ सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि इसको काट के हम 14,000 तक जा रहे हैं या इससे बड़ी मंदी, इससे बड़ी मंदी दोस्तों मेरे को क्लियर भी नहीं दिखती, बिल्कुल नहीं दिखती। अगर आप इस इंडेक्स को देखोगे ना तो इंडेक्स के हिसाब से तो ये बोलना ठीक है कि 15% की करेक्शन हुई है, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक में पिटाई हुई है ना, मतलब मैं इस मुझे नहीं लगता कि वहां पे ज्यादा गिरने की जगह है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे ये स्मॉल कैप इंडेक्स है, हमारे पास तो जनरली स्मॉल कैप इंडेक्स या छोटे शेयर ही होता है, छोटे शेयर के इंडेक्स आप देखिए ऑलमोस्ट 30% डाउन है, 30% इंडेक्स गिरी हुई है, वहां से थोड़ी सी इसने रिकवरी की है। अब आप सोचिए अगर मार्केट इस लो को तोड़ती है, लॉजिकली आप सोचिए अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देती है और नीचे चली जाती है 14,000 तक, तो आप सोचिए स्मॉल कैप इंडेक्स का क्या हो जाएगा। ये लेवल पे अगर आ जाती है तो 30% तक की करेक्शन हुई है और इंडेक्स में 30 है, स्टॉक्स तो बहुत पिटे हुए हैं, 40-50-60% स्टॉक्स नॉर्मल करेक्टेड है। अगर मार्केट इसको तोड़ देती है और आप समझिए कि हम लोग नीचे 14,000 की तरफ बढ़ते हैं, तो इन स्टॉक्स का क्या होगा, आप सोचिए 60-70-80% तक स्टॉक टूट जाएंगे और किसी भी बुल मार्केट में दोस्तों मुझे नहीं लगता इतना बड़ा डैमेज हो सकता है। इसलिए अभी तक मेरा बिलीफ ऐसा है, क्योंकि फिर क्या होगा पता है, फिर सिर्फ ये नहीं होगा कि स्टॉक इतना टूटेंगे ना तो फिर स्टॉक ऊपर भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि फिर जब इतनी पिटाई होती है ना तो आप समझिए जब इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ तो रेस्ट करना पड़ता है ना, मतलब इतनी पिटाई हुई मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ फिर रेस्ट भी करना पड़ेगा, फिर बहुत ज्यादा चांसेस अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आगे के प्रोबेबली ये साल कम से कम 6 महीना पूरा साल आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा है ना, बट आप क्योंकि फिर इतना स्टॉक को रेस्ट करना भी जरूरी हो जाएगा। बट फिलहाल बाय लुकिंग एट द कंडीशंस मुझे नहीं लगता कि मार्केट अभी इस लेवल के नीचे जाने को तैयार है। तो आपको करना क्या चाहिए, मेरे ख्याल से अच्छे जो स्टॉक्स हैं, बहुत से स्टॉक्स मुझे ऐसा लगता है कि अपने बॉटम लगा चुके हैं, वो स्टॉक्स अपनी बॉटम नहीं तोड़ेंगे। तो अगर आपको समझ है आपके साथ आपको अच्छे स्टॉक चुनना आता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा टाइम है जहां पे आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा सकते हो। अगर डायरेक्ट समझ नहीं आता तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप जा सकते हो, अपना पैसा लगा सकते हो अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन नहीं आता। देखिए एक बात आप समझिए, अगर आप इन्वेस्टर हो है ना, देखो ट्रेडर इन्वेस्टर की दोनों की अलग कहानी है। ट्रेडर को मैंने बता दिया क्या करना है, ट्रेडर सिंपल सी बात है अगर 16,400 के नीचे मार्केट जाती है तो आपको लॉन्ग पे रहना ही नहीं है, है ना, क्योंकि उसके बाद तो मार्केट नीचे जाएगी है ना, और अगर यहां से 16,800 के ऊपर जाती है तो सिंपल सी बात है हम लॉन्ग हो जाएंगे। अगर आप 16,400 के नीचे शॉर्ट हो जाते हो मार्केट में तो ऊपर सी बात है 16,600 का आपका स्टॉप लॉस है और फिर नीचे जाने दो मार्केट को। तो ट्रेडर के तो अपने भैया क्लियर से डायरेक्शन है ना, ऊपर कहाँ जाना है मेरे को बता दिया, नीचे आप लॉन्ग अगर कर रहे हो तो 16,400 मान लो 300 मान लो तो 16,300 तक के बाय इन डिप्स करोगे, 16,300 के नीचे जो भी लॉन्ग पोजीशन है उस आप एग्जिट कर लोगे, शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हो 16,600 के ऊपर आप शॉर्ट पोजीशन एग्जिट कर लेना, तो उनके तो क्लियर वेल डिफाइंड रूल्स है। अब जहां तक अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप समझिए ये बहुत अच्छे लेवल है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि पैसा डालना चाहिए रुकना चाहिए अभी क्या है, तो मेरे ख्याल से ये इतने अच्छे लेवल है ना, आप इसको छोड़ो है ना, आप इसको छोड़ो कि 15% की करेक्शन 10%, मैं बता रहा हूँ ना आपको स्टॉक्स इतने टूटे हुए ना, इतने टूटे हुए ना, आप सोचो ना 100 की चीज आपको 40-50-60 रुपए में मिल रही है, अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स, इनफैक्ट CDSL जैसे स्टॉक जिनका 1700 का है आज 1100-1200 पे, तो एक जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपको कर ही देना चाहिए। देखो इन्वेस्टर हो तो आप ये बात मान लो कि आप हमेशा कभी बॉटम पे नहीं पकड़ सकते चीजों को, तो अच्छे रेट्स आपको पकड़ने बस, अगर नीचे आ जाता है तो फिर देखा जाएगा आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। ये तो है कि भाई आप कम से कम 18,600 पे तो नहीं कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही क्लियर आपको डायरेक्शन दे दिया है। एक और चीज दी जो FIIs की सेलिंग के बारे में एक जो कॉन्सेप्ट लोग बोल रहे थे, आप समझिए एक रिपोर्ट भी मैं देख रहा था कि FIIs ने करीब करीब $20 बिलियन का सेल किया हुआ है ना। अगर आप ओवरऑल FIIs की पोजीशन देखोगे ना तो इंडियन मार्केट में ओवरऑल जो FIIs है उनका 600 बिलियन लगा हुआ है, इंडियन मार्केट में FIIs का टोटल 600 से 700 बिलियन लगा हुआ है जिसमें से 20 बिलियन FIIs ने बेचा है। अब सोचिए आप 20 बिलियन बेचने की वजह से मार्केट में 15-20% की करेक्शन हो गई तो ओवरऑल FIIs को कितना लॉस हो रहा होगा, तो ओवरऑल उनका जो 600 बिलियन है उसमें भी आपको उनका 15-20% का लॉस हो रहा होगा क्योंकि मार्केट उतनी गिरी हुई है। इसका मतलब है 20 बिलियन निकालने के चक्कर में करीब करीब 100 बिलियन उनका लॉस हो चुका है ना, क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो। FIIs का टोटल यहाँ पे 600 बिलियन लगा हुआ है, ठीक है, 600 बिलियन में से FIIs ने सिर्फ 20 बिलियन निकाला है, 20 बिलियन निकालने के से मार्केट 15-20% डाउन है, मतलब 600 बिलियन भी 15-20% डाउन है। इसका मतलब है कि ऑलरेडी FIIs 100 बिलियन के आसपास लॉस में हुए। इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी मैं पढ़ रहा था तो उस रिपोर्ट में भी ऐसा आया था कि FIIs ने पिछले 10 साल में जितना पैसा लगाया उतना 8 महीने में निकाल लिया, तो इसका मतलब है FIIs के पास भी अब बहुत ज्यादा पोजीशन बची नहीं है जो सेल करेंगे। अब धीरे धीरे FIIs अपनी सेलिंग को स्लो डाउन करेंगे, आप समझिए इतना बेचने के बाद भी मार्केट 10-15% 20% डाउन है, तो जिस दिन इन्होंने अपनी सेलिंग रुक दी या अगर थोड़ा सा हाथ बढ़ा दिया खरीदने की तरफ तो इस मार्केट में क्या होगा। और इस बार जब FIIs खरीदेंगे ना
तो आप समझो इस मार्केट में बहुत बड़ी एक पैनिक बाइंग भी आ सकती है, जैसे पैनिक सेलिंग हो रही है। और मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें, इन्फ्लेशन हो गया, रेट हाइक हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, क्रूड ऑयल है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे फैक्टर इन हो रही है, मार्केट उसको प्राइस इन करने की कोशिश कर रही है। जैसे टॉप पे हमने थे तो टॉप से जैसे हम गिरने के रीजन ढूंढ रहे थे, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी जिसको हम बॉटम बना सकते हैं, और यहाँ से बॉटम बनने के बाद हम लोग यहाँ से मेरे ख्याल से ऊपर जाने को तैयार है। अगर आप ग्लोबल मार्केट भी देखते हो तो कुछ खास यहाँ पे दिक्कत मुझे दिख नहीं रही है, अच्छा खासा बॉटम बना के हम इसके ऊपर है। अब अगर डाउ जोन्स लास्ट वीक अगर आप मानिए ये लेवल के आसपास वापस आ जाता है ना, थोड़ी सी गिरावट, मतलब अगर निफ्टी में आप समझिए कि अगर निफ्टी ने इस लो को रिटेस्ट करना है तो ऑब्वियस ही बात है इसके इंडिकेशन डाउ जोन से ही आने, ग्लोबल मार्केट से आने, क्योंकि आप बात समझिए हमारे मार्केट रिलेटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमारे पास सब कुछ पॉजिटिव साइड है। इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले 3.5 घंटे का लेक्चर भी लिया था, उसमें मैंने बताया था कि क्यों इंडिया आने वाले 10-20 सालों में क्यों आउट परफॉर्म कर सकता है। तो हमारे पास हमारे पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो बाहर से आ सकते हैं, और अगर बाहर से आते तो थोड़ा बहुत उसकी वजह से हो सकता है हम थोड़ा बहुत करेक्शन कर ले, इससे ज्यादा मुझे कोई दिक्कत दिख नहीं रही। तो अगर डाउ जोन्स नेक्स्ट वीक में थोड़ा बहुत नीचे यहाँ पे आ जाता है तो हो सकता है हम लोग अपनी रीटेस्टिंग कर ले, उससे ज्यादा तो मुझे कुछ दिखता नहीं। सेम स्टोरी अगर आप देखोगे जो रसल इंडेक्स है वो भी ज्यादा से ज्यादा, मतलब आप समझ लो ज्यादा से ज्यादा पूरी ग्लोबल मार्केट में, ठीक है, इंक्लूडिंग आप यूएस का मार्केट मान लो या यूके का मार्केट मान लो, यूरोपियन मार्केट मान लो, रीटेस्टिंग से ज्यादा कुछ नहीं है, और किसी भी चार्ट में कोई पैनिक नहीं है, देख सकता हूँ किसी भी चार्ट में कोई भी पैनिक नहीं है, ठीक है, ज्यादा ज्यादा रीटेस्टिंग होगी जिसकी पॉसिबिलिटीज हमारे मार्केट में भी है, लेकिन आप बात समझिए वो आखिरी फेज है, वक्त हो चुका है इस मार्केट का ऊपर जाने का, बस कब चूज करता है वो दिन वो देखना है, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक ही होगा जो डिसीजन होना है इसका, नेक्स्ट वीक में मेरे ख्याल से जो भी होना है हो जाएगा, जो भी लो बनाने बना लेगा, और उसके बाद यहाँ से मार्केट रेडी है तैयार होने को। अगर प्रोबेबल एक मेरे को आप टारगेट पूछोगे ना निफ्टी का, तो मुझे इस पैटर्न को देख के निफ्टी का टारगेट यहाँ से करीब करीब 3,000 पॉइंट, 3 से 4,000 पॉइंट का बढ़ जाता है। कैसे बता सकता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो ये जो करेक्शन है, इस करेक्शन की जितनी लेंथ है, हालांकि ऐसा टेक्स्ट बुक पे पैटर्न यहाँ पे नहीं है, बट फिर भी अगर आप देखोगे ये जितनी लेंथ है ना, ये देखिए ये जो पूरी लेंथ है ये करीब करीब आप देख सकते हो 2,500 पॉइंट की है, तो इसके ऊपर अगर आप 2,500 पॉइंट जोड़ लेते हो तो करीब करीब 20,000 के आसपास यहां से निफ्टी का टारगेट बन रहा है, जो इमीडिएट टारगेट पॉसिबल है निफ्टी के लिए। अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स ने भी थोड़ा सा टॉपिंग आउट का सिग्नल यहाँ पे दिया हुआ है, 104.5 के आसपास ठंडा हो रहा है, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि डॉलर यहाँ से ठंडा हो जाए। एंड इनफैक्ट इतना जो डॉलर है, इतना महंगा डॉलर पूरी पूरी मतलब इकोनॉमी पूरा वर्ल्ड इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, यूएस भी नहीं कर सकता, तो यहाँ से डॉलर ने जो टॉपिंग आउट का सिग्नल दिया हुआ है वो हमारे लिए बहुत अच्छा सिग्नल है। गोल्ड सिल्वर में तो कोई खास मूवमेंट नहीं, बात करके फायदा नहीं। अगर आप सेक्टोरल इंडेक्स की भी बात करते हो तो आप देख सकते हो कि फार्मा तो खैर पहले से वीक है, मुझे उसमें आपको पता है कि ज्यादा कभी दिलचस्पी रही नहीं है। मेरा जो मेन जो जो मुझे क्वेरीज आती है वो जो मेटल सेक्टर है, क्या मेटल सेक्टर ने अपने यहाँ पे टॉप लगा लिया, क्योंकि उसके बाद एक ऐसा दिन था जब मेटल सेक्टर में टाटा स्टील में, जेएसडब्ल्यू स्टील में 10-10, 15-15% की करेक्शन थी। तो इस पे दोस्तों एक छोटा सा वीडियो में कवरिंग ऑल मेटल सेक्टर थोड़ा बाद में कवर करूंगा, इसलिए अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बट एज ऑफ नाउ मेटल सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड मेटल सेक्टर इज गोइंग टू बी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर फॉर द कमिंग वीक। ऑटो सेक्टर आप देख सकते हो बहुत अच्छी जगह पे है, एक करेक्शन के बाद एक ब्रेकआउट देके रीटेस्टिंग हो चुकी है इसकी, ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप एफएमसीजी सेक्टर देखते हो तो ये सेक्टर में भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए तैयार है। इनफैक्ट पूरे सेक्टर्स आप देखो, आईटी सेक्टर में एक ये देखिए इतने ज्यादा डाइवर्जेंस बने हुए, इसकी वजह से एक बाउंस आया हुआ है, तो बहुत हुआ तो यहाँ तक थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, बट मेरे ख्याल से आईटी सेक्टर भी ऐसा सेक्टर है जो आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म करने वाला है। इतनी बड़ी मार्केट, इतना बड़ा सब कुछ हुआ, लेकिन आप देखिए जो यूएस का विक्स है ना, वो बिल्कुल भी टूटा नहीं, बिल्कुल बढ़ा नहीं है, तो जो डर का इंडिकेटर है विक्स, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। इसका मतलब है कि वर्ल्ड मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में धीरे धीरे डर खत्म हो रहा है। इंडिया का विक्स भी आप देखिए काफी हद तक टूट चुका है, तो इसका बढ़ना हमारे लिए अच्छा नहीं होता। और आप बात समझिए एक सिर्फ जो कंसर्न है ना वो ये है एक्चुअली क्रूड ऑयल एक्चुअली जब ये जो स्पाइक आया था ना, ये रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से, तो डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम की वजह से, तो ऐसा लग रहा था कि इसको टूटना चाहिए और इस लेवल तक तो वापस आ जाना चाहिए 85-86 के, बट इतने टाइम तक मुझे उम्मीद नहीं थी कि हायर लेवल पे सस्टेन करेगा, और जब ये हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है तो बता रहा है कि प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है, और हमने हमारा जो बजट है उसने $75-80 के आसपास को फैक्टर इन करके बनाया गया, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे लिए एक थोड़ा सा इश्यू क्रिएट कर रहा है, पर ठीक है आने वाले दिनों में इसको भी देखना पड़ेगा कि इसका क्या होता है। बाकी तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबल मार्केट में और
बेसिकली इतनी सारी बुरी न्यूज आ रही है ना इन दिनों, तो अगर निफ्टी को इस लो को तोड़ना होता, इस लो के आसपास जाना होता या तोड़ के बहुत नीचे जाना होता, तो मेरे ख्याल से सब कुछ सही था, मौका था, दस्तूर था, सब कुछ सही था। तब भी निफ्टी अगर यहाँ पे टिकी हुई है ऊपर पे, जाने को तैयार नहीं, तो आप समझिए मार्केट को हमसे ज्यादा पता है, कुछ रीजन है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे टिकी हुई है, तो मुझे नहीं लगता। एंड इनफैक्ट सेम चीज ग्लोबल मार्केट की मैं बोलूँ, है ना, इतना कुछ बुरा न्यूज आ ही रहा है, चालू है कुछ ना कुछ, तब तो यहाँ होना चाहिए था डाउजंस को, फिर भी अगर ये ऊपर ठहरा हुआ है तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है मार्केट अच्छी चीजों को फैक्टर इन करने लगेगी और बहुत जल्दी हम लोग यहाँ से ऊपर बढ़ने को तैयार है। कंडीशन दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ट्रेडर है तो लेवल्स के हिसाब से अपने काम कीजिए, जो भी मैंने आपको बताया। इन्वेस्टर है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मौका है, हाँ बॉटम है नहीं है, मेरे ख्याल से तो बॉटम हो चुका है या बॉटम हो जाएगा इस लेवल के आसपास, लेकिन इन्वेस्टर हो तो आप इतना मत सोचिए, एक इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे जरूरी है, बनता ही है। अगर नीचे आ जाती है मार्केट तो फिर और कुछ आप सोच सकते हो उस बारे में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, काफी डिटेल में हमने बात की है, सेम स्टोरी बैंक निफ्टी की है। बैंक निफ्टी के लिए भी ये लेवल अब इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, ये वाले लेवल मतलब आप मान लो 3400 34800 के आसपास वो लेवल तोड़ देते हैं तो बैंक निफ्टी एक बार इस लेवल के आसपास आ सकती है, बस बाकी तो और कुछ अभी लगता नहीं ज्यादा। सो दैट्स इट, अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में ये जो इस तरीके के एनालिसिस कैसे करते सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ऐप का लिंक डाला हुआ है, उसे आप डाउनलोड कीजिए, वहां पे हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी है, वो आप बाय कर सकते हैं और इस तरीके के एनालिसिस आप सीख सकते हो। अगर आपको सीखने का टाइम नहीं है, आपको नहीं पता मार्केट में काम कैसे करते हैं, बट फिर भी ये जो मार्केट है, इस इंडियन बुल मार्केट है, इसमें आप फायदा उठाना चाहते हो, कमाना चाहते हो, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी काम कर सकते हो, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए और नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, ताकि हम एक अच्छा आपके लिए प्लान बनाएं और उसके तहत आप काम कर सकते हो और अपनी वेल्थ बना सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।